आप सबों का अभिनंदन जो लखनऊ के पत्रकार हैं, जो दिल्ली से आए हैं और जो भारत के विभिन्न इलाकों से आए हैं। दूसरी बात है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, थोड़ा विलंब हो गया, अध्यक्ष जी का भाषण भी समाप्त हो ही रहा है। मित्रों, अध्यक्ष जी ने राम जन्मभूमि की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय आया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हाईकोर्ट ने सारे बिंदुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद यह निर्णय दिया कि जहां प्रभु राम लल्ला बैठे हुए हैं वही वो स्थान है जो हिंदू मानते हैं कि जहां राम का जन्म हुआ। जब उन्होंने ये बताया कि ये निर्णय हो गया तो भाजपा की भी ये अपेक्षा है, देश की विरासत की भी अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, और उन्होंने उस संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल इश्यू, इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने यह भी अपील की कि इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में सभी दलों, सभी पंथों, सभी संप्रदायों के सहयोग के आह्वान की मैं अपील करता हूं, ताकि प्रभु राम की मर्यादा और इस देश की विरासत और संस्कृति के संस्कारों के अनुरूप एक अच्छा भव्य मंदिर बने। ये उन्होंने अपील किया। मित्रों, अध्यक्ष जी ने भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त भारत के निर्माण की बात की, एन इंडिया फ्री फ्रॉम करप्शन एंड फ्री फ्रॉम हंगर। मनमोहन सिंह जी 7 साल से प्रधानमंत्री अब हैं, 2 साल यूपीए का पूरा हो गया। वो एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, और अगर उनके परफॉर्मेंस रेटिंग को देखा जाए तो शायद 25% मार्क भी देना कठिन होगा देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और अध्यक्ष जी ने एक सवाल उठाया कि इस देश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर हम अलग से प्रस्ताव भी लाने आ रहे हैं, इस भ्रष्टाचार, जो आजाद देश का सबसे अधिक भ्रष्टाचार इस केंद्र सरकार में हुआ है, इसकी जिम्मेवारी से डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी बच नहीं सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड मैडम सोनिया गांधी कैनॉट रन अवे विथ फ्रॉम देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज द मेस ऑफ सीरीज ऑफ करप्शन आर कंसर्न इन इंडिया। उन्होंने एक सवाल उठाया, अगर मनी शंकर अय्यर ने और सुनील दत्त, स्वर्गीय सुनील दत्त जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इन दोनों ने सुरेश कलमाडी को कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने का विरोध किया था, तो उसको किसने बनाया? इसका जवाब दे मनमोहन सिंह, इसका जवाब दे सोनिया गांधी, क्यों बनाया गया? दूसरी बात कि सुरेश कलमाडी लगभग 2,500-3,000 करोड़ रुपए के आयोजन समिति में है, जितना खर्चा उनके माध्यम से हुआ। शीला दीक्षित सरकार के अंतर्गत लगभग 25,000-30,000 करोड़ का काम हुआ है, फ्लाईओवर, कॉमनवेल्थ विलेज, स्टेडियम। आज जब सुल्लू कमेटी के मामले की जांच हो गई है तो शीला दीक्षित की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? उन्हें कौन बचा रहा है? इसका जवाब तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। अध्यक्ष जी ने एक शेर की एक पंक्ति पढ़ी, तू इधर उधर की बातें न कर, सीधा बता ये कारवा क्यों लुटा। तो इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द लीडर ऑफ द यूपीए मैडम सोनिया गांधी। अध्यक्ष जी ने कहा कि इस विषय में हम प्रामाणिकता से काम करेंगे, देश भर में माहौल बनाएंगे यूपीए सरकार के खिलाफ। अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि देश के 36% भाग पर बीजेपी राज करती है, 36% ऑफ इंडिया टुडे इज रूल्ड बाय द बीजेपी आइदर बाय इटसेल्फ और इन अलायंस। हमारी 9 जगह सरकारें हैं जिसमें 2 हमारे सहयोगियों की सरकारें आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी देश के लगभग 31% भूभाग पे शासन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से। आज हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट
हम अपनी बात छोड़ दें तो इस देश के इतनी सर्वे एजेंसीज हैं, इतने चैनल्स हैं, एनडीटीवी है, सीएनएन आईबीएन है, आईबीएन 7 है, इंडिया टुडे न्यूज ग्रुप है, इसमें अधिकांश में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर और उनके गवर्नर्स की तारीफ होती है, चाहे वो इन्वायरमेंट का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, प्रो पुअर पॉलिसी हो। कितने में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का होता है, ये सवाल उन्होंने उठाया है।